छत्तीसगढ़ प्रदेश की जेलों में पहली बार लोक अदालत लगने जा रही है, जहां उन कैदियों को न्याय मिलेगा जो जमानत मिलने के बाद भी लंबे समय तक जेल में रहते हैं। शनिवार को रायपुर केंद्रीय जेल लोक अदालत का शुभारंभ करने के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी जेल लोक अदालत की समीक्षा के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग पहुंचे। जेल में बंद विचाराधीन बंदियों जिनके निजी अधिवक्ता नहीं है तथा प्रकरण न्यायालय में जिस बंदी का अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है, उन्हें तत्काल विधिक सहायता से पैनल अधिवक्ता नियुक्त किए जाने की अग्रिम कार्रवाई के साथ बंदी को विधिक सहायता पहुंचाई जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश पर 15 अक्टूबर शनिवार को पहली बार राज्य स्तरीय वृहद लोक अदालत आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ केंद्रीय जेल रायपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के द्वारा किया गया। इसके पश्चात उच्च न्यायाधीश गौतम भादुड़ी केंद्रीय जेल दुर्ग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा जेल लोक अदालत की समीक्षा के लिए पहुंचे। केंद्रीय जेल दुर्ग में वृहद लोक अदालत के लिए कुल 6 खंडपीठ बनाई गई है, जिसमें प्ली बार्गेनिंग एवं शमनीय प्रकरण जो कि CJM न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में लंबित है के प्रकरणों को निराकरण का प्रयास किया गया एवं जेल में निरुद्ध बंदियों में से कई बंदियों के प्रकरण प्रतिबंधात्मक धाराओं से संबंधित होते हैं, जिसके लिए कार्यपालक दंडाधिकारी SDM सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के भी इस जेल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण का प्रयास किया गया। समीक्षा के लिए दुर्ग जेल पहुंचे उच्च न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कुछ इस तरह की जानकारियां दी। यहाँ पे जेल लोक अदालत का शुभारंभ किया, जो कि छत्तीसगढ़ सालसा के उसमें इनिशिएटिव में हुआ है, ताकि जो छोटे सजा याफ्ता हैं उनको उनके साथ प्ली बार्गेन करके छोड़ सके, और जो ऐसे बहुत सारे कम एज के जिसमें जो बार्गेन करके मैंने जो और जिनकी वो जमानत वगैरह हो गई है वैसे भी उसको आइडेंटिफाई करना, और आज मेन था प्ली बार्गेन का, उसमें से काफ़ी उसको सफलता मिली ताकि ये क्राउड कम हो प्री ट्रायल, वो वही ट्रायल के 3 साल बाद छूटे, उससे अच्छा आज ही उसको फास्ट फॉरवर्ड करके इसीलिए अदालत यहाँ तक आई है। सब हमारे जो जुडिशियल जो ऑनरेबल जजेस हैं वो आए हैं और वो होल डे लोक अदालत यहाँ होल्ड किए हैं। यहाँ पे तो डाटा भी आएगा पूरा 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 ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। स्टेट ट्रांसपोर्ट और रेरा में चेयरमैन का पोस्ट खाली है, इक्वल टू जज सर, कब तक उसको फिल नहीं? अभी उसको दैट्स ए रिलेवेंट क्वेश्चन नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आज जो विजिट किए हैं, क्या कुछ विजिट के दौरान नजर आया आपको जेल में? जेल में अभी तो आज तो पहला शुभारंभ है ये चालू करने का, और इसमें हमको उम्मीद है कि मैक्सिमम इसमें 100 जो क्राउड उसको कम करें, हम प्री ट्रायल बार्गेन करके छोटे अपराधों में जो आपको पहले बताया कि काफ़ी बार्गेन के आफ्टर दी ट्रायल 3 साल पहले छूटते हैं उसको, उसी को फास्ट फॉरवर्ड करें ताकि क्राउड कम हो। क्योंकि अदालत जनता को न्याय दिलाने में कितनी सहायक है? नहीं, सेफ्टी मेजर में तो दैट इज नॉट, आई एम नॉट एक्सपर्ट उसमें, हमको तो सर यहाँ के अधिवक्ताओं की मांग है सर कि भिलाई दुर्ग में और रायपुर में हाईकोर्ट का बेंच हो सर। वो तो गवर्नमेंट उसमें नो कमेंट। कंक्लूजन क्या निकलेगा सर ये जो पूरी हुई? कंक्लूजन जो जो वकील नहीं लगा सकते हैं, जो ग्राउंड एकदम ग्रास रूट लेवल पे है उनको फायदा मिले, सालसा का जो स्कीम है उनका जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा हो। सर विधि प्राधिकरण का जो कार्यक्रम दिन भर चला इससे इनको क्या सुविधाएं मिली और क्या दी जाएंगी? सब छूट जाएंगे जल्दी जी, क्राउड कम होगा जी, प्ली बार्गेन कर रहे हैं उसमें जी सर, हाँ प्लीट गिल्टी जो छोटे छोटे सजा उसी को वही मैं बताया जो रिपीट कर रहा हूँ, 3 साल बाद छूटेंगे आज छूट जाएंगे जी सर। ठीक है, थैंक यू। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।